यूपी के अमरोहा जिले में मध्य गंगा नहर में नहाने गए तीन युवकों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया, तो वहीं मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को मध्य गंगा नहर में चार दोस्त नहाने के लिए गए थे, तभी पानी के तेज बहाव की वजह से चारों डूबने लग गए। इस दौरान चारों मदद की गुहार लगाने लगे। शोर सुनकर आसपास काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और जैसे तैसे एक युवक को मध्य गंगा नहर से बाहर निकाल लिया, लेकिन बाकी तीन युवकों का पता नहीं चल पाया। तीनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन शुक्रवार की सुबह तीन परिवारों के लिए दुखों का पहाड़ लेकर आई, क्योंकि शुक्रवार की सुबह तीनों युवकों का शव बरामद हुआ, जिसके बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। बता दें कि घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम गोताखोरों की मदद से लगातार तीनों युवकों के शव को तलाश कर रही थी, जहां शुक्रवार की सुबह तीनों के शव को घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक तीनों युवकों का शव 100 मीटर की दूरी पर कहीं जाकर फंस गया था। वहीं पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद से मृतक युवकों के परिवार में कोहराम मच गया है। बता दें कि ये घटना थाना सैद नगली इलाके के जीहल गांव की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।